असलमकुम डे स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट में जब हमारे पास हिस्ट्री की कहानियाँ आती हैं बुनियादी तौर तो पर वो कहानियाँ आती कहाँ से उनके इम्पॉटेंट एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं और वो क्या होते हैं जिनसे वो कहानियाँ बनाई जाती हैं और हिस्ट्री के वो जनरेशंस हैं हम तक पहुँचती हैं सो so, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स आ रहे होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे होते हैं उसके पास हमारे पास ये सोर्सेज हैं हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं नरेटिव्स होते हैं और वो एविडेंस की बेस पे होने चाहिए जिससे ये पता चले कि कहानिया ये कहानियाँ झूठी नहीं हैं ये बाइस नहीं है ये किसी एक ग्रुप के परसपशन नहीं है या यार डिस्टोटेड नहीं है तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास कहानियाँ आती हैं उसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है हमारे पास रिकॉर्ड्स हिस्ट्री uh, जो है इट्स अ परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट ऑफ कोर्स और इन मोस्ट रीसेंट टाइम हमारे पास जो हिस्ट्री है वो ना सिर्फ रिटन रिकॉर्ड की फॉर्म में है वो फोटोग्राफ्स की फॉर्म के अंदर भी मौजूद है और वो डिजिटल फॉर्म के अंदर भी मौजूद है उसमें हमारी वीडियोस भी हैं उसमें हमारे ऑडियोस भी हैं और हमें ये देखना चाहिए बताना चाहिए बच्चों को कि जब ये फैसिलिटीज़ नहीं, नहीं थी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी ये मॉडर्न हिस्ट्री नहीं लिखी जा रही थी और जब हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स नहीं थी तो हिस्ट्री कैसे लिखी जाती थी तो हमारे पास जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है उसके अंदर हिस्ट्री कैसे लिखी जाती थी आ, उसके अंदर हिस्टोर, हिस्ट्री को लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका पेंटिंग्स था आज जिसके ऊपर वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स की जाती थी हैंड रॉइटिंगस डिवेलप हुई थी आ, स्टोन पेन ग्रेविंग की जाती थी और मुख्तलिफ़ तरीके से हिस्ट्री को लिखा जाता था सो so, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो कि वॉल पेंटिंग्स की फॉर्म में हो पोट्री के ऊपर पेंटिंग्स हुई हुई हों या आर्किटेक्चर में हो या कोई हमें ऐसे नरेशन मिल जाए स्क्रिप्ट मिल जाए तो तमाम का तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा हैं सो so, जब लैंग्वेज नहीं हुई थी तो लोग कहानियाँ बुनियादी तौर पर एक दूसरे को सुनाते थे और याद करवाते थे ताकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रह सके और जो इंपॉर्टेंट इवेंट आए हैं उनकी ज़िंदगी में वो नसल दर नसल अपने ग्रुप को अपने कल्चर को अपने लोगों को कन्वे कर सकें द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ जब राइटिंग डिवेलप भी हो गई तो वो जो डिटेल्स थी बहुत से लोग नसल दर नसल भूल गए कि तो उस ज़माने में ये इवेंट कैसे हुआ था इसीलिए कोई बहुत ही पुराने इवेंट्स आप तीन डिफरेंट ऑथर्स से पढ़ें तो आपको तीन डिफरेंट नरेशन और तीन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ या तीन डिफरेंट इवेंट्स का स्ट्रक्चर नज़र आएगा उसकी वजह ही ये है कि बहुत पुराने इवेंट्स बुनियादी तौर पर जिन कहानियों के फॉर्म में थी बहुत से इवेंट के जो इस्टेज़स थे वो लोग भूल गए थे या उसको चेंज करके वहाँ फिर उन्होंने अपनी इमेजिनेटिव पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया था या अपना ओपिनियन डाल दिया था तो बुनियादी तौर पर जो हमारे पास बहुत पुरानी हिस्ट्री है या हिस्ट्री है वो एक्चुअली ओपिनियन ओरिएंटेड है जो बंदा उसे लिख रहा है या देख रहा है या नरेट कर रहा है या पास ऑन करता है वो उसे अपने लेंस में अपने ओपिनियन में नरेट करता है इसीलिए जो हमारी स्टोरीज हैं वो चेंज हो जाती हैं डिटेल detail. उसकी डिटेलिंग चेंज हो जाती है उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है सो रिटन लैंग्वेज के आने के बाद जो Uh, बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास ये वो ये कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है उसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है और वो उन रिकॉर्ड को जनरेशन टू तो जनरेशन पास ऑन करना आसान है नेक्स्ट नरेशन नरेशन वो एलिमेंट है जिसके थ्रू हमारे पास स्टोरी so, हिस्टोरिकल स्टोरीज आती हैं इट्स स्टोरी टेलिंग अ वे दैट पीपल इंटरप्रेट इवेंट सो नरेशन में लोग कहानियाँ लिखते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस को सामने रख के उसको डिस्क्राइब करते हैं बताते हैं कि सीक्वेंस वाइज क्या हुआ तब क्या हुआ इसकी वजूहत क्या थी लोग क्या समझते थे और ये कहानी कैसे हुई uh, और लोगों ने ये रिएक्शन कैसे किया हिस्ट्री विद इज फैक्ट एंड एविडेंस ऑल्सो एन इंटरप्रटेशन ऑफ द पास्ट जब हमारे पास फैक्ट्स होते हैं चीज़ें होती हैं तो हम पास्ट को एक्चुअली जा के डायरेक्टली देख नहीं सकते हम उसके बारे में सिर्फ एजम्पन्स बना सकते हैं इसीलिए उसमें गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि हम एजम्पन्स बनाते हैं इंटरप्रटेशन करते हैं यहाँ खड़े होकर आज से सौ साल पहले के इवेंट पर इसीलिए मल्टीपल इंटरप्रटेश भी हो सकती हैं सो so, हमने जो बच्चों को इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये दिखानी होती है कि आपके किसी भी इवेंट uh, के बहुत से आउटकम्स हो सकते हैं और किसी भी इवेंट को बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से uh, बयान कर सकते हैं और हर कॉज का कोई इफेक्ट हो सकता है एविडेंस एविडेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टोरी राइटिंग में हिस्ट्री की हमें चाहिए ऑल गुड हिस्ट्री आर बेस्ड ऑन एविडेंसिज और चिल्ड्रन नीड टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंसिस ताकि वो क्रिटिकली देख सकें उनके अंदर ये क्रिटिकल स्किल डेवलप हों कि जो अकाउंट उस कहानी में बताया गया है और जो एविडेंसेस डेट्स या स्क्रिप्ट बताए गए हैं क्या वो एक्चुअल हैं या फिक्शनल हैं और कैसे पर्सनल इंटरप्रटेशन जो है और जो पर्सनल ओपिनियन है वो हिस्ट्री के जनरेशन को चेंज कर सकती है सो so जब हम बच्चों के साथ कोई हिस्ट्री की किताबें लेके बैठते हैं तो हमें करना क्या चाहिए सबसे पहले हमें किताब खोल के बच्चों के साथ उसको डिस्कस करना चाहिए और उसमें एक एक तस्वीर को देखना चाहिए और नोटिस करना चाहिए उनके कॉस्ट्यूम को उन्होंने किस किस्म की जूलरी पहनी है वो कैसे घरों में रहते हैं वो किस तरीके से उस ज़माने में सफ़र करते थे देखनी चाहिए क्या उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो अब मौजूद नहीं हैं और ये माजी में कैसे मौजूद थी सो so, आप uh, बच्चों को जिस चीज़ का ना पता चले आपको उस चीज़ का उन्हें बताने भी है। बच्चे जो सवाल करते हैं आपने उन सवालों के जवाब भी देने हैं जो वर्ड उन्हें ना समझ आए आपने वो वर्ड उन्हें बताना भी है सो so, अगर आप हिस्ट्री में पिक्चर्स देख रहे हैं तो हो सकता है कि अच्छा सवाल ये हो कि ऑफ कोर्स इस्लामिक कैलीग्राफी है इसका नाम क्या है ये क्यों बनी थी ये किसने और कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस स्टाइल ऑफ़ को इंट्रोड्यूस करवाया अगर आपके सामने ये तस्वीरें आ जाएं तो इट इज़ वेरी अमेजिंग टू नो कि इस किस्म के स्कल्पचर क्यों बनाए गए वहाँ के लोगों के क्या कायद थे वो क्या सोचते थे और अगर हमारे पास और डिफरेंट किस्म के इमेजेस आ जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ज्वेलरी हमारी तारीख़ का कैसे हिस्सा है और ये कौन सा फ़ेमस करेक्टर है जो इसके अंदर फोकस्ड है और जिसने पार्टिसिपेशन की होगी मोस्ट रीसेंट वाकयात भी हिस्ट्री का ही हिस्सा होते हैं पाकिस्तान बने बहुत ढेर सौ साल तो नहीं हुए लेकिन हम ये देख सकते हैं कि हमारे मुल्क की जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं वो क्यों बनाए गए उनके पीछे क्या आइडियाज़ था क्या फ़िलोसफीज़ थी क्या थेरी थी क्या इंस्परेशन थी तो दीज ऑल आर द वेरी गुड क्वेश्चन जब हम हिस्ट्री की किताबें खोलते हैं कहानियों की और तस्वीरों को बच्चों से डिस्कस करते हैं तो हम गो बियॉन्ड जाते हैं डिस्क्रिप्शन के